हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को इस चीज़ों में परेशानी आ रही होगी कि ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है वो काफ़ी लंबा पीरियड है। जी हाँ, एक प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट को लेनी पड़ी बिकॉज़ कोविड-19 इतने हद तक आगे बढ़ चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड एक पैंडेमिक फैला हुआ है, तो हमें लॉकडाउन करना ही हमारे लिए एक सेफेस्ट तरीका है जिससे हम कोविड-19 से बच सकते हैं। लेकिन क्या प्रेगनेंसी में आपको क्या करें, डॉक्टर की विजिट के लिए जाएं नहीं जाएं, ये 21 दिन का तो लंबा टाइम है। तो ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले, जनरली अगर आप देखते होंगे कि आप डॉक्टर से अगर नॉर्मल डेज में अगर आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता है। बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डॉक्टर्स भी अभी ये जान रहे हैं कि 21 दिन का लंबा टाइम है, तो उनके पेशेंट्स को भी उनकी ज़रूरत है। तो इस वक्त आप उनको कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा या वीडियो कॉलिंग करिएगा, ज़रूरत पड़े तो वो मना नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप उनको सही टाइम पे फ़ोन करें। अनयूजुअल टाइम पे फ़ोन करिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। तो अगर आपको अर्जेंसी नहीं है, मान लीजिए कि अर्जेंट है, तो आप बेशक आप किसी टाइम पे फ़ोन करिए, लेकिन अगर अर्जेंसी नहीं है तो उनको सही टाइम पे ही आप कॉल करिए और वो आपके कॉल का रिस्पॉन्स करेंगे। तो उनसे एक बात आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि जो आपकी रेगुलर जो चेकअप चल रही है, क्या हमें आने की ज़रूरत है हॉस्पिटल। अगर वो बोलेंगे आपको कि हाँ आपको आना है तो ही आप जाइए, नहीं तो आप डॉक्टर से सेम प्रिस्क्रिप्शन को फॉरवर्ड करा सकते हैं। सेम दवाइयाँ, जितने भी आयरन की, फोलिक एसिड की जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए ये 21 दिन के लिए। और वैसे भी अभी 6 डेज तो बीत गया है, तो 15 डेज तक तो कम से कम आप इस चीज़ को फॉरवर्ड करा लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपकी डॉक्टर बोलती हैं कि आपको अभी अर्जेंट अल्ट्रासाउंड चाहिए, ब्लड टेस्ट चाहिए, यूरिन टेस्ट, एनीथिंग जो भी वो प्रिस्क्राइब करती हैं, अगर वो नेसेसरी है तो वो उसको आप इमिडिएटली आप हॉस्पिटल जाइए, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी में ये लॉकडाउन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स या फिर जो पुलिस वाले हैं सबको जानते हैं कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक आ गई है या फिर आप लेबर पेन में हैं, उस वक्त तो और ज़्यादा पुलिस भी आपकी बढ़ चढ़ कर मदद कर, उनको अच्छे से अप्रोच करिएगा, अच्छे से बात करिएगा, बिना अपने गुस्से को बढ़ाए हुए आराम से कामली बात करिएगा, तो देखिए वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो पुलिस वाले हों, डॉक्टर्स हों, वो सब कुछ हमारे भलाई के लिए ही होते हैं, तो आप उनके भी सुविधा का ख्याल रख के आप उनसे मदद ले सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। मान लीजिए कि आपको डॉक्टर की विजिट के लिए जाना ही पड़ गया, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले, जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से जितने भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो, ब्लड रिपोर्ट हो, एनी रिपोर्ट्स, आपको एक साथ कलेक्ट करनी है। प्रिस्क्रिप्शन भी आपको साथ में रखना है, और या तो आप किसी पैनल से अगर बिलोंग करते हैं, CGHS से हैं, AGHS से हैं, किसी भी पैनल से हैं, आप अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स लें ताकि आपको उस समय टेस्ट कराते वक्त भी आपको किसी और तरह की परेशानी नहीं हो। अपने CGHS कार्ड, EGHS कार्ड वगैरह भी अपने साथ रखिए। दूसरी बात, अगर आप जा रहे हैं तो अपने पर्स में एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए। आप जो खुद एक प्रेग्नेंट महिला है, वो टाइम टू टाइम सैनिटाइज तो करिए ही। आपके साथ जो अटेंडेंट जा रहा है, मे बी आपके हस्बैंड, आपकी सासू माँ, आपकी माँ, कोई भी आपके साथ जा रहा है, उनके भी हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज करें। दोनों व्यक्ति, यानी कि आपके अटेंडेंट या फिर आप कोई भी जा रहा है, तो प्रॉपरली अपने चेहरे को मास्क से कवर करें। नहीं कर सकते हैं तो दुपट्टे से, रुमाल से, किसी भी साफ कपड़े से अपने चेहरे को ज़रूर कवर करें। किसी अदर पर्सन के साथ कोई भी तरह का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। आप तो ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं, आजकल तो कोई हाथ वगैरह कोई नहीं मिला रहा है, बट फिर भी अपने थोड़ा सा 1 मीटर 2 मीटर का डिस्टेंस ज़रूर बना के रखिए। थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करिए, अपना टेस्ट कराइए, तुरंत से भाग जाइए, जितने भी नेसेसरी चीज़ हैं वो कराइए, और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में रुकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मुझे मत भूलिएगा। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।